सूखी अरबी बनाने के लिए हमने एक कुकर लिया है, कुकर में पानी डाल दिया, अरबी को हम बॉईल कर लेंगे, मतलब एक सीटी लगाने के बाद 5 मिनट तक इसको कुक करना है, आलू की तरह गलाना नहीं है। तब हम कुकर की लिड बंद कर देंगे। अरबी शब्द सुन के अगर आपको लगता है कि ये अरबियों की देन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अरबी की डिस्कवरी बहुत साल पहले हो चुकी थी। इसको कई नामों से बुलाया जाता है, अरबी बोला जाता है, अरबी बोला जाता है और गुइयां भी बोला जाता है। गुइयां के खेत से अरबियां आई हैं, तो गुइयां यूपी में बहुत फेमस वर्ड है और इसकी कई सारी रेसिपीज़ बनती है पूरे भारत में और इसके पत्तों से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अरबी को हमने जो सीटी लगाई थी फिर उसके छिलके निकाल के छोटा छोटा काट लिया है और अब हमने ऑयल में डाल दिए इसको। इसको डीप फ्राई करना है अरबी को। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे हम इसमें, अजवाइन को थोड़ा क्रैकल होने देंगे हम। अब हम अपनी अरबी इसमें डाल देंगे जो हमने डीप फ्राई करी थी। थोड़े अरबी के पीसेस ज्यादा गल गए थे तो वो क्रिस्पी पाउडरी फॉर्म में फ्राई हो गए, बट वो मसाले के साथ मिलके बहुत बढ़िया फ्लेवर देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको अच्छे से थोड़ी देर सौते करना है हमें। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर एंड नमक स्वाद अनुसार। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है हमें। अब ये गया एक चुटकी सिंदूर, नहीं, एक चुटकी गरम मसाला डालना है हमें फॉर द एडेड फ्लेवर, जिसकी कीमत सब जानते हैं। कुरकुरी अरबी की सब्जी हमारी तैयार है, ड्राई अरबी। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करके इसको एक साइड में निकाल लेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी।